यहाँ पे जो स्विच है इसको थोड़ा घुमाएंगे तो ये ऑन हो गया। देखिए ये दोनों ऑन हो गया फैन, ये दोनों अभी भी बंद है। एंड इसको घुमाने से आप इसका जो स्पीड है कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ये हल्का हो रहा है, ये बहुत हल्के से घूम रहा है अभी। एंड इसको पूरा ऐसे घुमाएंगे तो बहुत अच्छे से घूम रहा है। एंड सेम टू दिस, अभी देखिए ये दोनों भी चालू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। वेलकम दोस्तों टू ए न्यू वीडियो। मैंने लिया था एक गेमिंग लैपटॉप एंड आपको मालूम ही होगा अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप लेते हैं या फिर गेमिंग लैपटॉप लेते हैं वो हीट भी अच्छे से होता है। सो उसको ठंडा रखने के लिए एक कूल पैड जरूरी भी है। मैंने ऑर्डर किया था एक कूल पैड जो कि मेरे पास आ गया, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। नाइफ तो आज नहीं है तो हाथ से ही अनबॉक्स करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट स्मार्ट वाई लिखा है। करते हैं, दिस इज द कूल पैड एंड साथ में ये यूएसबी केबल। सो इस यूएसबी केबल को अगर आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी इसको साइड में रख देते हैं एंड इसको चेक करते हैं। सो दिस इज यूजर मैनुअल, दिस इज आवर कूल पैड। आप देख सकते हैं चार फैन आपको दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इससे स्पीड एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये यूएसबी पावर्ड है, लैपटॉप से पावर लेके ये चलेगा। इसके लिए आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने का ज़रूरत नहीं, तो ये पावर भी कम कंज्यूम करेगा तो इसका स्पीड भी उतना नहीं रहेगा। फिर भी ऑनलाइन आप लोग चेक कर सकते हैं, 1000 RPM लिखा हुआ है। सो आप लोग देख सकते हैं ये सामने के साइड में जो ग्रिल है ये स्टील का बना हुआ है एंड बैक साइड दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। सो अब देख लीजिए एंड यहाँ पे दो कंट्रोलिंग करने के लिए दो बटन है मेरे ख्याल से फैन का स्पीड कम या ज्यादा करने के लिए। सो हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसको आप ये देखिए इसको ऐसे ओपन कीजिए एंड यहाँ पे इसको ऐसे ओपन कीजिए। आप लोग ऐसे रखिए तो हवा पीछे साइड से निकल जाएगा। तो आपके साइड पे मैं घुमा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने कर लिया लैपटॉप को ऑन, उसके बाद आप लोग ये यूएसबी पोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लग किया, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे प्लग कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो यूएसबी का जगह दिया गया है, तो किसी भी एक में मैं ऐसे प्लग करता हूँ तो उसके बाद भी ऑन नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो बटन दिया गया है, आपको पास से दिखा देता हूँ, एक और दो। सो इसको रख दिया। यहाँ पे जो स्विच है इसको थोड़ा घुमाएंगे तो ये ऑन हो गया। देखिए ये दोनों ऑन हो गया फैन, ये दोनों अभी भी बंद है। एंड इसको घुमाने से आप इसका जो स्पीड है कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए हल्का हो रहा है, ये बहुत हल्के से घूम रहा है अभी। एंड इसको पूरा ऐसे घुमाएंगे तो बहुत अच्छे से घूम रहा है। एंड सेम टू दिस, अभी देखिए ये दोनों भी चालू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। सो दिस 4 आर ऑपरेटिंग नाउ। सो ये दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ, देखिए ये दोनों चल रहा है। एंड इसको फिर से ऑन करता हूँ, इसको फिर से क्लोज करता हूँ। तो आपके साइड में घुमा के फंक्शन दिखा देता हूं मैं, सो आपको भी समझ आए। ये देखिए इसको मैं ऐसे घुमाया तो ये बंद हो गया, चारों बंद है। इसको मैं ऐसे किया तो ये देखिए ऑन हो गया, ये हल्के से चल रहा है अभी, और थोड़ा घुमाऊंगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड अभी फुल पे है। एंड फॉर द सेम इसको भी मैं देखिए ये नीचे के दो अभी जो दिख रहे हैं ये दो अभी बंद है। सो इसको मैं घुमाऊंगा, देखिए ऑन हो गया, अभी कम स्पीड में चल रहा है एंड थोड़ा घुमाऊंगा तो स्पीड और बढ़ जाएगा। आपको इतने अच्छे से समझ में आए ना आए लेकिन मुझको समझ रहा है। सो स्पीड थोड़ा बढ़ा हुआ है, सो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे
लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो ये जो है नीचे से एयर सर्कुलेट कर पाएगा। और एक चीज़ है जिसको बताना ज़रूरी है, मैं अगर लैपटॉप को इसके ऊपर ऐसे रखता हूँ तो हो सकता है लैपटॉप थोड़ा बहुत आगे फिसल सकता है, चांसेस है, मेरा हाथ लग गया लैपटॉप आगे फिसल गया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक चीज़ दिया गया है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने में ले लेता हूँ, अभी आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ओपन कर सकते हैं। सो ये दोनों ऐसे ओपन हो गए। सो अभी मैं जब भी लैपटॉप को इसके ऊपर रखूंगा, आप लोग देख सकते हैं, सो इसमें अटक जाएगा। ये दोनों जगह आप देख सकते हैं, इस दोनों में लैपटॉप अटक जाएगा, लैपटॉप नीचे नहीं फिसलेगा। सो आप लोग देख सकते हैं दिस इज वर्किंग। यहाँ पे देखिए इसका लाइट ऑन है, चारों फैन चल रहा है। सो दिस इज इट, दिस इज द प्रोडक्ट अंडर 1000 rupees। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे मत रखिए। एंड पीछे का से जो साइड है वो प्लास्टिक मेड है, तो थोड़ा सा संभाल के यूज़ कीजिए। ओवरऑल अगर देखेंगे 1000 rupees के हिसाब से दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। सो लैपटॉप को मैं रख देता हूँ इसके ऊपर, मेरा Asus ROG लैपटॉप। सो इसको रख देता हूँ एंड ये जगह पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दोनों साइड से इसको ओपन कर देता हूँ। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन, सामने जाके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो अभी लैपटॉप नीचे फिसल के गिरने का चांसेस नहीं रहेगा। एंड आपको बैक साइड भी अच्छे से दिखा देता हूँ। सो एयर सर्कुलेशन के लिए कितना सा जगह बन रहा है, यहाँ से आपका हवा जो है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ जा सकता है एंड नीचे के साइड से ये एयर को फ्लो करेगा लैपटॉप के बॉटम साइड। अगर हम लोग वेट की बात करें तो ये आता है 650 ग्राम का, मतलब हल्का फुल्का ही है। दोस्तों मैं और एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, दिस इज मेड ऑफ प्लास्टिक मेनली। सो इसके ड्यूरेबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपको 1000 rupees के अंदर एक अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा सा कूल पैड चाहिए अपने लैपटॉप के लिए, सो दिस इज अ गुड वन। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।